कि बुखारी साहब क्या कोई ऐसे भी नए हलके बने हैं जो माजी के मुकाबले में उस हलके के वोट बैंक को तकसीम कर देंगे? बुखारी साहब आप अपने जवाब को जारी रखिएगा, हमें ब्रेक में जाना पड़ा था जरा। जी जैसा मैं अर्ज कर रहा था, मसलन एक वाज़े मिसाल तो मैंने आपको हाफिज़ाबाद की दे दी, उसके बाद एक मिसाल हमें डीजी खान में मिलती है, यकीनी तौर पे वहाँ पे जुल्फकार अली खोसा जो डिफेक्ट कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और उनका असर रसूख भी ज़्यादा है और बहुत सारी पार्टीज़ उन्हें ऑफ़र भी कर रही हैं, यकीनी तौर पर उनके इन्फ्लुएंस को कम करेगा वहाँ पर जो एक सीट बढ़ाई गई है। ऑफ कोर्स मतलब ये नहीं हो सकता चूंकि वहाँ पे दो सीटें थी और तीसरी का इजाफा किया गया है। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में चूंकि पीपल्स पार्टी का जोर था और जमशेद दस्ती का आपको पता है इंडिपेंडेंट के तौर पे वो जीते और फिर नून लीग में शामिल हुए, फिर उन्हीं के हाथों रैत का शिकार हुए, वहाँ पे भी एक सीट का इजाफा हुआ है। यकीनी तौर पर उन्हीं दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को टेलर करके किया गया होगा, दोनों में उनकी स्ट्रेंथ कम होके एक तीसरी में जो है वो मरकूज। तो इस तरह की मिसालें हमें बहुत मिलेंगी। अभी सिर्फ ये जो नई डिलिमिटेशंस हुई हैं, नई हलका बंदियाँ हुई हैं, इनके मैप इशू होने दीजिए, उसके बाद यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि हुक्मरान जमात की तरफ से यानी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी एतराज़ात आएंगे। लाहौर में एक सीट का इजाफा किया गया है जिसका बेनिफिशरी मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही होगी, तो लेकिन बहुत सारी जगहों पे मसलन शेखुपुरा में मुस्लिम लीग एतराज़ कर सकती है, फैसलाबाद में एतराज़ कर सकती है, कसूर में एतराज़ कर सकती है, नारोवाल में एहसन इकबाल साहब का हल्के को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा वो जो एक वहाँ पर कम हुई है सीट, तो बहुत सारे एतराज़ सामने आएंगे। दूसरी बात जो सबसे बड़ा कन्फ्यूशन होता है, जो हमने 2002 में जब नई हल्का बंदियों के बाद नए नंबर्स लगे थे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, उस वक्त जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था वो वोटर्स को ये था कि वो किस हल्के में वोट कास्ट करेंगे। और इलेक्शन कमीशन कंवर साहब इधर तशरीफ फरमा हैं, इन्हें यकीनन याद होगा कि उस वक्त भी बहुत सारे वोटर्स जो थे अपने जब पोलिंग स्टेशन पे जाते थे तो उन लिस्टों में उनके नाम नहीं थे, और बाद में उन्हें अंदाज़ा होता था जी उनके जो वोट्स हैं वो ट्रांसफ़र दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में हो गए हैं। तो इस तरह के बेशुमार वाकयात उस वक्त भी रिपोर्ट हुए थे, और अगर अभी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से हसल बसल में काम किया गया तो इस तरह की शिकायत पैदा होंगी, जिससे यकीनी तौर पर इलेक्शन के अमल पे तो असर पड़ेगा लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल फिगर को ये चीज़ डैमेज करेगी। राइट।